ये प्रोग्राम मैना कैसेट की ओर से पेश किया गया, सेठ ताराचंद का किस्सा। जब आप कैसेट खरीदें तो उस पर मैना का ट्रेडमार्क अवश्य देख लें। नकली कैसेट आपके टेप रिकॉर्ड को भी खराब कर सकती है। तो सेठानी सुती उठी, न सेठ का लड़का था न जहाज मिला। आखिर उसने एक साधु का भेष बना लिया और दिल्ली शहर के सौदागर जाते हैं। पूछने के महाराज, यहां जंगल बियाबान में आपका क्या काम है? हमारे साथ दिल्ली चलो। सेठानी ने सोच लिया, दिल्ली का बताता था तो दिल्ली और तलाश कर ले, अगर दिल्ली नहीं मिले तो हापुड़ चले जाना। तो सेठ के कहने से सेठानी जहाज में सवार होकर कहा कि दिल्ली के लिए रवाना हो लेती है। कैसे? हेरे जाद के मैं बैठ सेठानी, आई दिल्ली में देखे फरे टोवती नल नणंद का, भाई दिल्ली में आज के चला जोर मेरा हो, फिर धोखा देके चला गया, फेरा का चोर मेरा हो, देखे गिर गई आंख लखावण ते, दुख पालिया तोर मेरा हो, तने आपड़ तो गोरी ढोऊंगी, कितना हक और मेरा हो, आपड़े सकोरी उठोगी, इतना हक और मेरा, मन तेरे कारण आप ठुकरी, ओ तेरे कारण आप ठुकरी, आए खाई दिल्ली में तो ते फिर बावड़ के दर्शन दे, अन्याई दिल्ली में आज के बाद आई दिल्ली में तो आई दिल्ली लोकरिया होते लोकरिया हो तब बोलिया ठट्ठा, हंसी तेरी थी दुनिया में फिरू तो होती, क्योंकि तलाशी तेरी थी, तने कर दिया कौंड त्योहारी सत्या, नशी तेरी थी, तेरा झुक झुक के करू आरिता, चौकीदारी तेरी थी, झुक झुक के करू आरिता, चौकीदारी तेरी थी, आए तेरे दम के कारण ठुकरी, तेरे दम के
मन खाई दिलड़ी में तेरे बिना मैं बहुत घनी दुख पाई दिल चलता रहा। सेठानी विचार करती रही कि दिल्ली जाने के बाद में कुछ न कुछ बात का माजरा निकलेगा, तो भी भेद नहीं चला तो नजदीक हापुड़ बताते हैं। हापुड़ बताता था कि मनसा सेठ के यहाँ रहता हूँ और दिल्ली पिता का नाम तारा चंद सेठ, माँ का दयावती बताता था, खुद का नाम चंद्रगुप्त था। क्या बताया भला? मन ने स्वीति ने छोड़ गया जो दुख दूना से हो, तेरी शान का मेरे काल दे लगा नमूना से हो, जो जगत बसाया बस राम का तेरे बिन सुना से हो, फिर जितना प्रेम मने पिया बता तन्ने क्यों ना से हो, जितना प्रेम मने पिया बता तन्ने क्यों ना से हो, सुनती हो मत आई हो त्रिया, सुनती हो मत आई हो त्रिया, आ जाई दिल में आड़े अपने अपने मतलब के लोग लगाई दिल्ली में, आज के मैं बैठ सताई आई दिल्ली में, करो तो दिल वो नलन का भाई दिल्ली में। लक्ष्मीचंद का ढंग देख इतने में शर्माली हो, दिए लंगर खोल आज के फेरी मैं इबते भरमाली हो, तू तया पड़िया ते गिर गया हो दिल्ली के दलवाली हो, तेरा सांस पाया चीकना और पेट पड़ा खाली, पाया चीकना पेट पड़ा खाली, फिर मांग संदूर हटा के राख, मांग संदूर हटा के राख, हर माई दिल्ली में देखे राजघाट पे आके धुनी लाई दिल्ली में, याद के वो बैठ सताई आई दिल्ली में, करो तो वजी नलन का भाई दिल्ली में। सेठानी जहाज में बैठ के और कहा कि दिल्ली आ जाती है। दिल्ली आने के बाद में ताराचंद सेठ रोजाना साधुओं की सेवा के लिए जाया करता। ताराचंद ने देखा कि एक नई शान का योगी था, उसको देख के और जाकर सत्कार आदर सत्कार किया। पूछने लगा, महाराज आप तो कुछ नए से नजर आते हैं, आप कब आए हैं, कहां से आए हैं? कहने लगा, भाई भगत हम दो दिन हो गए हमें
यमुना नदी पाए, कहां से आए हो के बाहर से आए? भाई आपका भगत जी क्या नाम है? तो तारातन सेठ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बताने लगा कि महाराज कभी तो मैं जगत सेठ था, लेकिन आज मेरे को तारातन कंगाल कहते हैं। तो तारातन सेठ क्या बताने लगे उससे बोला, एर तारा चंद कंगाल नाम से, टोटे मैं बिहाल नाम से, हेर बीते बारह साल नाम सुने लकड़ी ढोवणिया, भजन बंदगी में नीते के ली, भजन बंदगी में वो नीते के ली, फेरी लाख देख ली केड़ी के सहूलत, पेट भरण की मेटी ना जरूरत, हाथा ते छटरी से मूर्ति मेरे मन की मोहनिया, मत जे बिन दुनिया में कौन जाद डबोवणिया, कि महाराज ये भगवान की कुछ कृपा हुई, एक मेरे भाई हरिराम ने मेरी सारी फुलवाड़ी का नाश कर दिया, उसकी सीख मान के सारा कारोबार ठप हो गया। ये प्रोग्राम मैना कैसेट की ओर से पेश किया गया। मैना कैसेट खरीदे, जब ट्रेडमार्क देख के खरीदिए और नकलों से सावधान रहिए। क्या बताया भला, जिसके शीश से
टोटे की रहा डूब लहर में, सांझ तलक सुमले शहर में, खेल चबोड़िया बता दिया कि महाराज मेरी सेठानी का नाम दयावती है, मेरा नाम तारातन सेठ है, एक मेरा लड़का था जिसका नाम चंद्रगुप्त था। कहां गया आपका लड़का सेठ जी? के किसी बुरे वक्त में मैंने अपना लड़का हापुड़ के मनसा सेठ के यहां अपने दोस्त के 200 रुपए में गिरवी रख दिया था। तो सेठानी के पक्की जचगी कि तेरा ससुरा है, लेकिन अगर इसके बाद सामने तने बात खोल ली तो भी ठीक नहीं। तो उसने कह दिया कि सेठ जी शाम के वक्त आप धोने पाओगे, जो कुछ धोने मिले उसने ले दिए और 2 से 4 रुपए में गिरवी रख दिए, 4 रुपए अपने खर्चे रख लेना और 200 रुपए में लड़के छटवा कर और यहां ले आना। लेकिन एक शर्त होगी कि दिल्ली आने से पहले जब लड़का एक मिल रह ले जब आप मेरे पास खबर कर देना। तो सेठ वहीं से खुशी हंसता खेलता हुआ सेठानी के पास आ गया और सेठानी तो बता कि सेठानी एक ऐसा महान साधु आया हुआ है जिसने मेरे हृदय की बात छीन ली। क्या बताने लगे बोला? न बोला रे गौ ब्राह्मण साधु की सेवा कद दुख न धो जागी, एरे कई साध की सदा व्रत ले खाती, दुनिया में हुंडी चले न किसी चीज की चाहती, दयावती सेठानी मेरे उस चंद्रगुप्त की माती, धन माया की चौगर देने नु ढाल लागती दाती, धन माया की चौगर देने मेरा
त्री जुठी बात लिखड़ी जी तेरी चुकर गत हो जी दयावती के साची दस जा जब पूरी पत हो जी आगे पाते की सोचा करता पत्थर की मत हो जी इब हट के फिर बस जा दिल्ली में साधु की सत होगी धन की जोड़ी एक राजा सुकुण ने अपने बेटों के नशे में आके एक बड़ा घोर अन्याय किया था। कपल मुनि के जाकर लात मारी थी, उस कपल मुनि ने उस राजा सुकुण को भस्म कर दिया था। कैसे के घमंड में, ऐसे ही घमंड में आके मने प्याऊ धर्मशाला धर्म संस्थान बंद करवाए तुम रहे हो, चारों तरफ से बेड़ा गरक हो गया। क्या बताने लगे आप? धन माया के भरे खजाने सुना छोड़ सगड़ी के बेटे 60,000 गाभरू गोडे खूब रगड़ी के कौ ब्राह्मण ते मिल कने राजा बैनू तलक दगड़ी के फेरी धर्मत जीते इस दुनिया में बड़े बड़े शेख बेगड़ी के का नाता श्री कृष्ण और देवर देव सोदामा यत दुनिया भई बड़ी अवगुण की नामा हो चित नामा शरी लक्ष्मी चंदी जीना दो दिन का कर आगे कसामा शरी लक्ष्मी डरे डो जाएगी
सेठानी से कहने से अगले दिन सुबह तारा तन सेठ वहां से कहा के धोने के लिए रवाना हो लेता है। थोड़ी सी दूर धोना रह गया, क्या बताने लगे अपना बाबा जी के धोने धोरे रे ते पोची कंगाली गया ओ डरता डरता हेरे लाला जी मंदी सिताले गया ओ बाबा जी के धुने करता मैं किसका केलो था जो बोला मैं किसका केलो था दान करने के महीने में पूरे 16 दिन नो था जो बोला मैं 16 दिन नो था रे मैं किस साधु पे धन लो थारे मेरा अरबा कमाने गया ओ डरता डरता तेरे बाबा कबला कदे ना हो चोरी का खाया करे धन चोरी का खाया करे फिर मन चित बुद्धि पाप नष्ट गंगा में नहाया करे दो गंगा में नहाया करे रे जत कोरड़ी उदे हो जाया कर रे ओ, 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 लग बार मायूसाल गया। क्या बताने लगा उस साधु से कि महाराज सेठानी ने कह के चिरा गाता सेठ ने कह दी थी सेठानी मेरे जाने के बाद में साधु ने अपने घर ले आना। डरता डरता सा धोने के करीब जा रहा था, ये भी डर लग गया था कभी ऐसा ना हो महात्मा तेरे साथ हंसी मजाक करता हो, क्योंकि टोटे वाले इंसान के इस दिल में हर एक तरह का बेईमाना होता है। ये प्रोग्राम मैना कैसेट की ओर से पेश किया गया। सभी भाइयों से अनुरोध है कि अपने टेप रिकॉर्ड के लिए मैना कैसेट ही उपयोगी कैसेट हैं और उन्हें देख के अच्छी तरह खरीदें और नकली से सावधान रहना। क्या बताया बना इस साधु का रूप देख मेरे प्रेम गात में जागर प्रेम गात में सुथरी शान उमर कायाना प्यारा घना मन लागे रे प्यारा घना मन लागे ओ देखे राम जानता इस साधु आगरे खोले सारा ये हाल गया ओ डरता डरता तेरा लाला जी गया
पुण ज्ञान घूट जा रे, पुण ज्ञान घूट जा, टोटे में कम इज्जत हो कुछ मेल टूट जा, प्यारा ते मेल टूट जा, हो मेरे धन मिल जा मेरा पूत छूट जा, न ते हापुड़ में ख्याल गया सा तारा तन सेठ धोने के नजदीक पहुंच जाता है, जाके देखा कि एक सोने की कांगनी मिली, बाजार में जाके उसको 204 रुपए में गिरवी रख दी और कहा कि हापुड़ अपनी लड़की को छुटाने के लिए पहुंच जाता है। मनसा सेठ से जाकर, भाई साहब राम राम, अरे सेठ कैसे आया भाई, 12 साल के बाद में मिले कौड़ी पर कह सेठ जी जैसे 12 बस में फिर मिले, के भाई प्यारा मानसो है उसे तो वक्त पड़े में काज सार दे भाई, ये ले 200 नकद रुपये मेरा 5,00,000 तार दे भाई, भाई मेरे लड़के ने दे दे 200 रुपये ले ले। तो लड़के चंद्रगुप्त को बुलवा लिया, बेटा के हाथ तेरा पिता तेरे को लेने के लिए आ गया, तू जल्दी से तैयार हो ले। और जब अपनी भाभी से मिला के देने हो कभी ना बुला डिगर गया था, तो चंद्रगुप्त अपनी भाभियों के पास में चले जाता है कि भावज के हाँ मैं आज अपने घर जाता हूँ, मेरा पिता मेरे को लेने के लिए आ गया। तो वह के समझाने लगी सेठानी उसने, बोली चंद्रगुप्त तू साल पड़ा ये याद रहेंगी बात तेरी, कर दिए माफ कसूर हो देवरी जो हमने करी हो दो बात तेरी, चंद्रगुप्त कपण ते जाड़ू सु कार करी न अभिमान की, तेरा पिता तने लेना रहा जत मेरे फेरी भगवान की, खुश हो के ले जाए देखे जो से चीज ले जाने की, तेरी माता घर पे बाट दे घरी तेरे दे धाम पोजान की, जैले चले हम भी चले, ये तो खुश हो कहने साथ तेरी तेरी।
दिए कै सुनिए कै गल्ला तजिक बात पुरानी ने एकली बिना छोड़ करते बेटी बहु बेरानी ने राम रमी ससुर करिए नमस्ते मरी दौरानी ने कदे न कदे हम भी देखेंगी देवर त्रिशठानी ने नो सोचे कद हो जाएगी मन सही बरसात सारी दुनिया जाने दत्ता पड़गी छोटे मैं करण आरता आवेगी वतले कन जल लोटे मैं सोच समझ पे साल हो देवरी नारे रात टूटे मैं झलक लागती पावेंगी उड़ सामी सच्चे भोटे मैं जानू कद हो जागी ओए मलक ने मुलाकात चंद्रगुप्त जो कुछ तेरे को चाहता हूँ ले जा भगवान ने बड़ा अच्छा मौका दिया कि तेरा पिता तेरे को लेने के लिए आ गया और आपस में देवर भाभियां की सौ तकरार होया करे कदे बुरा मान जा क्या बताया भला सारी दुनिया जाने कदे न चल्या ओड़ा तू रंज फकर में कत्ती सूख गया लकड़ रहा से दौड़ा तू सोच समझ कताल हो देवरी अदम छोड़ गया डाड़ा तू श्री लक्ष्मी चंद तह आज मिलेगा पार्वती न भोड़ा तू लोके मुशेरे शादी कर ली न देखी तरी बरात तेरी I'm not afraid.
दोनों उसके भाभी उसके बड़े आदर सहित सत्कार करते हैं कि देवर तन जाना है कि जा और जो कुछ भी धनमाल खजाना चाहता हो वो ले जा और बुरा मत मानिए। तो सेठानी दोनों रोसे में भर जाती हैं और चंद्रगुप्त से क्या बताने लगी बेटा। न बोली भाइया की सुहो चंद्रगुप्ती आड़ जी लगना मेरा जासे ते कर पा करिए मारा लिए तावड़ा मेरा भाइया की सुहो चंद्रगुप्ती कपण ते तेरे दिए पन्नी तू कन्ही रती लागे बिना बात में ओपरी फूक नहीं रती तेरे जब दर्शन कर लो सुफेरी मन भूख नहीं रती देखे तेरे उठे परे पाछ और कोई चूक नहीं रची तेरे कोटे परे पाछ और चूक नहीं रची तेरा कद दिखेगा जल्दी आए ओ चंद्रमा सचे सोया में रल जाइए मैं न्यारा छाट देखूंगी तेरे आने जाने के लगे रंग ठाठ देखूंगी भाई बहु आई के लगे रंग ठाठ देखूंगी तेरे आने जाने के लगे जनी आठ देखूंगी तेरी ऐतवारी आले दिन की तेरी बाट देखूंगी देखा की सातावड़ा लावण से बहु आई का लग तेरा चंद्रगुप्त ने बता दिया कि भाभी अगर मेरी से कोई गलती हो तो उसके क्षमा करना क्योंकि 12 साल तक आपके पास रहा आपकी सेवा पानी की खैर निशान से गलती हो सकती है मेरे को माफ कर देना। क्या बताने लगी भला
सम्मत है जो सम्मत लेना है धन उतना छाया करे से धन दौलत सब्र शांति पर बैठे आया करे से आवलक्ष्मी ब्याव लक्ष्मी लक्ष्मी लाया करे से जित एक कमाऊ घर के मैं दस बैठे खाया करे से जित एक देखे सदा करेंगी राज भोलिया वो जिल का मर्द कमेरा किसो चंद्रगुप्त आरे सीला के ना कि देवर तेरे पिता का और मेरे ससुरे का गंगा के मेले में दोस्ताना होया या तो अपनी सेठानी ने यहां ले आइए वरना गंगा जी के मेले में फटा दिए। मैं बोला अरे कड़े सेठानी से के नहीं बात न लकोता है अगर वहां भी तेरे को डर लगता है तो दिल्ली सुबह नरेले का एक मेला लगता है देवी का वहां ले आकर देवी के दर्शन कराइए रूड़े फटा लिए क्या बता अपना हारा साथ जनाना साथ जनाना मात पिता संग गंगा जी पे आइए कर स्नान बखत पर भी का पुण्य करना चाहिए तन राजी हो के मैं दो सो इजाजत तावड़ा जाइए शेरी लक्ष्मी चंद की गेल हो देवरी मेरे में आइए चंद्रगुप्त की बात सुनकर और उसकी छोटी भाभी उस मनसा सेठ के छोटे लड़के की बहू जब उसको पता लगा कि आज चंद्रगुप्त घर जाता है तो आने के उसके गढ़ में घलगी ने बोली जागा के हाँ जाऊंगा तैन्य बोली हो सुने चंद्रगुप्त हम भूखी से खुश बोली के सुन आवेगा हो जाए रोई के भाई रोई के सर पंदर को सुनी जान की धरती मेरी सी
सुनी ते जानकी मेरी सी ओ दहे माप तोल ले मैं रंग में इंसी भरी अटगी नींद उछटगी रात ने में वो सोई के जाए सोई के सोने गोप्त हम समझाने लग जाती कि देवर हमसे दोनों से कोई गलती हो तो उसको माफ कर देना क्योंकि तेरे को 12 साल हमने अपने बच्चे की तरह पाला और कोई गलती भी हो तो उसको माफ कर देना क्या बताने लगी बोला सेठ बिगड़ के टूटे और घाटा मैं मतने साल दिखा दूंगी दिखा पड़ी साठा में ये तो आज नींद काटा मैं कंबल रोई के जाए रोई के सोने गोप्त हम छतरी खस मोती करके मैं बोलूंगी हारी की लड़ी हो लक्ष्मी चंद देवरी जिला गहना एक घड़ी फिर सांझ पड़ी घर आज चीजवा खोई के जाए रोई के सोनी चंद्र गोप्त हम तेरी
प्रोग्राम मैना कैसेट की ओर से पेश किया गया।